हेलो स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज फीटोस्कोपी। व्हाट इज फीटोस्कोपी? फीटोस्कोपी इज एन एंडोस्कोपिक प्रोसीजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू अलाउ सर्जिकल एसेस टू द फीटस, एमनियोटिक कैविटी, अम्बिलिकल कॉर्ड एंड द फीटल साइट प्लेसेंटा। फीटोस्कोपी एक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर होता है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीटस, एमनियोटिक कैविटी, अम्बिलिकल कॉर्ड एंड फीटल साइट प्लेसेंटा को एसेस करने के लिए किया जाता है, और ये सर्जिकली तौर पे किया जाता है। सर्जिकली कैसे किया जाता है? ए स्मॉल इंसिजन इज मेड इन द एब्डोमन एंड एन एंडोस्कोपी इज इंसर्टेड थ्रू द अम्बिलिकल एब्डोमिनल वॉल एंड यूट्रस इन टू द एमनियोटिक कैविटी। ठीक है, इसमें एक मदर के एब्डोमन पर इंसिजन, छोटा सा इंसिजन लगाया जाता है 3 to 4 mm साइज का, और उसमें एंडोस्कोप को इंसर्ट करवाया जाता है थ्रू एब्डोमन वाल एंड यूट्रस, यूट्रस के अंदर एंड द एमनियोटिक कैविटी के अंदर। ठीक है, देन टेक द सैंपल ब्लड एंड टिश्यू फ्रॉम द एम्ब्रियो और फीटस अंडर USG गाइडेंस, और एंडोस्कोप को एमनियोटिक कैविटी के अंदर इंसर्ट करवाने के बाद में ब्लड का सैंपल या टिश्यू सैंपल कलेक्ट किया जाता है एम्ब्रियो या फीटस से अंडर USG गाइडेंस। ठीक है, ये प्रोसीजर भी USG की गाइडेंस में ही किया जाता है। इट इज़ डन एट 16 to 20 weeks। 16 टू 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के पीरियड में इसको करते हैं। ठीक है, प्री प्रोसीजर फिर देखते हैं। प्री प्रोसीजर प्रिपरेशन फॉर द एंडोस्कोपी में बी आस्क नॉट ईट एंड ड्रिंक फॉर 8 hours बिफोर द प्रोसीजर। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो प्रोसीजर के 8 hours बिफोर कुछ भी ईट या ड्रिंक नहीं करे, एंड गिव एंटीबायोटिक बिफोर प्रोसीजर, एंड प्रोसीजर से पहले एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं क्योंकि ये सर्जिकल प्रोसीजर है तो इसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, इस वजह से एंटीबायोटिक पहले ही दी जाती है। देन एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ पेशेंट, पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन किया जाता है एंड गिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ओके, देन प्रोसीजर कैसे करते हैं? गिव पोजिशन टू पेशेंट, पेशेंट को सुपाइन पोजिशन देंगे। क्लीन द एब्डोमन विद एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक से एब्डोमन को क्लीन करेंगे। देन इंसर्ट द फीटोस्कोप इन द यूट्रस थ्रू ए थिन इंसिजन ऑन एब्डोमन वॉल आफ्टर गिव एनेस्थीसिया। ठीक है, उसके बाद में लोकल एनेस्थीसिया देंगे पेशेंट को, एंड देन एब्डोमन वाल पर कट लगाकर फीटोस्कोप को इंसर्ट करवाया जाएगा। ठीक है, और ये फीटोस्कोप कैसा होता है? एक थिन फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट होता है ये। ठीक है, उसके बाद में विजुलाइज एंड सैम्पलिंग द टारगेटेड थिंक। उसके बाद में जो टारगेटेड थिंक होती है, टारगेटेड थिंक मीन्स कि अपन जिस चीज़ के लिए फीटोस्कोपी कर रहे हैं, मतलब किस पर्पज से कर रहे हैं, विजुलाइजेशन के लिए या फिर सैम्पलिंग के लिए कि या फिर मतलब कोई प्रोसीजर करने के लिए, तो और वो किस पे कर रहे हैं, फीटस पे कर रहे हैं या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड में या प्लेसेंटा में कर रहे हैं, तो उसकी उसके लिए हम इसको करते हैं। ठीक है, उसके बाद में कॉजेज ऑफ फीटोस्कोपी, फीटोस्कोपी के क्या कॉज होते हैं? इवैल्यूएशन द फीटस फॉर द बर्थ डिफेक्ट सच एज स्पाइना बाइफिडा। क्यों करते हैं फीटोस्कोपी? कि किसी बर्थ डिफेक्ट को इवैल्यूएट किया जा सके, जैसे कि स्पाइना बाइफिडा जैसी कंडीशन हो तो वो पहले ही इवैल्यूएट कर ली जाती है। देन कलेक्ट ब्लड सैंपल टेस्टेड फर्दर लैब फॉर डिजीजेस सच एज हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, ऐसी कोई ब्लड रिलेटेड कोई अगर पेशेंट में, सॉरी फीटस में कंडीशन है तो
उसको पहले ही वो फिटस का ब्लड सैंपल लेके वो लैब में टेस्ट करवा लिया जाता है, ठीक है, और पता लगा लिया जाता है, जिससे उसको फिटस को कुछ ट्रीटमेंट यूट्रस में ही दिया जा सके, ठीक है। क्योंकि जो फिटस में अगर जो कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि मदर मदर की आरएच पॉजिटिव नेगेटिव होती है और फिटस आरएच नेगेटिव होता है, तो उसमें मदर में रिस्क होते हैं कि वो एंटीबॉडी बना ले उस एंटीजन के प्रति जो फिटस में है, तो वो एंटीबॉडी फिर प्लेसेंटा से पास आउट होकर फिटस तक पहुंच जाती है और फिटस की ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। तो उसकी वजह से उसी कंडीशन को देखने के लिए फिटस का ब्लड सैंपल लिया जाता है इसमें, ठीक है। एंड देन कलेक्ट सैंपल ऑफ स्किन टिश्यू फ्रॉम बेबी, दैट टिश्यू कैन बी टेस्टेड फ्रॉम सम इनहेरिडेटरी डिजीजेज, ठीक है। तो फिटस की स्किन टिश्यू का सैंपल भी इससे कलेक्ट किया जाता है फॉर इनहेरिडेटरी कोई डिजीजेज है तो उसका पता लगाने के लिए, ठीक है। देन कॉम्प्लिकेशन, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। मिसकैरेज के चांसेस होते हैं इससे, एक्सेसिव ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, लीकेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूड, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूड का लीकेज भी हो सकता है, देन प्री टर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी हो सकता है, देन मिक्सिंग ब्लड विद फीटल ब्लड, देन मदर का ब्लड एंड फीटल का ब्लड मिक्स हो सकता है, और देन इन्फेक्शन, चिल्स और फीवर। देन ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर है तो इसमें इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं, फीटस को भी इन्फेक्शन हो सकता है एंड मदर को भी इन्फेक्शन हो सकता है, और चिल्स और फीवर तो इन्फेक्शन के ही साइन है। ओके okay? ये देखिए, ये फीटोस्कोपी प्रोसीजर परफॉर्म किया जा रहा है, जिसमें ये फीटोस्कोप को एब्डोमिन वाल के थ्रू यूट्रस के अंदर इंसर्ट करवाया गया है। ये फीटस है, ठीक है, ये एमनियोटिक फ्लूड के अंदर फीटोस्कोप है। देन सी फिटोस्कोप यहाँ पे इंसर्ट करवाया जा रहा है, देन ये इधर अंदर ये अम्बिलिकल कॉर्ड दिख रही है एंड ये फिटस का कुछ पार्ट दिख रहा है मॉनिटर पे। एंड ये देखिए, फिटोस्कोप से फीटस के बॉडी पार्ट्स भी अच्छे से विजुलाइज हो रहे हैं। इसमें फीटस के फेस एंड हैंड्स वगैरह दिख रहे हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्डोसेंटेसिस, यानी कॉर्डोसेंटेसिस को और क्या बोलते हैं, परक्यूटेनियस अम्बिलिकल ब्लड सैंपलिंग। ये क्या होता है, इट इज ए डायग्नोस्टिक प्रीनेटल टेस्ट इन विच ए सैंपल ऑफ द बेबीज ब्लड इज रिमूव्ड फ्रॉम द अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर टेस्टिंग। ये एक डायग्नोस्टिक प्रीनेटल टेस्ट होता है जिसमें
बेबी के ब्लड का सैंपल लिया जाता है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। इट इज यूजुअली डन आफ्टर 18 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यह प्रेगनेंसी के 18 वीक के बाद में किया जाता है। यूजेज ऑफ कॉर्डोसेंटेसिस इज बिकमिंग रेयर बिकॉज डायग्नोस्टिक प्रोसीजर सच एज एमनियोसेंटेसिस, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग टेस्ट आर लेस रिस्की। ये जो प्रोसीजर है कॉर्डोसेंटेसिस, इसका यूज बहुत कम चांस में ही किया जाता है, क्योंकि इससे पहले एमनियोसेंटेसिस और कोरियोनिक विलस सैंपलिंग टेस्ट को करना ज़्यादा प्रिफरेबल माना जाता है, क्योंकि ये कम रिस्की होते हैं और ये कॉर्डोसेंटेसिस ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि इसमें अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और इसमें फीटल रिस्क भी ज़्यादा होता है। देन इसके यूजेस क्या क्या है, इंडिकेशन क्या क्या है वो देखते हैं। इट इज़ यूज प्राइमरली टू डिटेक्ट एंड ट्रीट ब्लड कंडीशन सच एज फीटल एनीमिया। इसमें इसमें पहले ही ब्लड से रिलेटेड कोई कंडीशन होती है फीटस की, तो उसको डिटेक्ट और ट्रीट किया जाता है, जैसे फीटल एनीमिया हो तो, एंड डिटेक्ट सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स को भी डिटेक्ट किया जाता है, एंड कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होती है उनको भी, उनका भी पता लगाया जाता है इससे, ठीक है। और देन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का भी इसमें पता लगाया जाता है, जैसे इन्फेक्शन, जैसे फीटल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो गया, टोर्च हो गया, PCR हो गया, है ना, इन इन्फेक्शन का इससे पता लगाया जा सकता है, ठीक है। डिलीवरी ऑफ द ब्लड टू फीटस, कुछ कंडीशन में जैसे जिसमें फीटस का ब्लड चेंज करना हो, या फिर एनीमिया की वजह से फीटस को ब्लड ट्रांसफ्यूज करना हो, तो इस प्रोसीजर की हेल्प से हम फीटस को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। देन डिलीवरी ऑफ मेडिसिन टू ए बेबी थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड, देन बेबी को मेडिसिन भी, मेडिसिन की डिलीवरी भी करवा सकते हैं इस प्रोसीजर से, ठीक है। देन कोई अगर प्लेटलेट इन ट्रांसफ्यूजन करना हो, तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी किया जा सकता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कंडीशन में, ठीक है। देन देखते हैं इसके प्री प्रोसीजर। इफ 23 और मोर वीक प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी 23 या उससे ज़्यादा वीक की हो, तो आस्क टू अवॉइड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग फ्रॉम द मिडनाइट बिकॉज सर्टेन कॉम्प्लिकेशन माइट रिक्वायर एन इमरजेंसी सी सेक्शन। पेशेंट को मिडनाइट से ही एनबीएम रहने का बोलेंगे, एनबीएम मीन्स नील बाई माउथ, यानी कुछ खाना पीना उसको नहीं है, मिडनाइट से ही उसको एनबीएम रखेंगे जिस दिन प्रोसीजर होना उस दिन, ठीक है। क्योंकि क्योंकि इस प्रोसीजर के दौरान अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट अगर हो जाती है, तो इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है, ठीक है। सेकंड, इफ बिफोर 23 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी प्रोसीजर डन इन ओपीडी, अगर प्रेगनेंसी 23 वीक से पहले की है, तो ये प्रोसीजर ओपीडी बेस पे भी किया जा सकता है, ठीक है। एंड इस प्रोसीजर का जो रिजल्ट है वो बहुत रैपिड होता है, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है इस टेस्ट का विद इन 24 to 48 hours में। देन देखते हैं प्रोसीजर, प्रोसीजर में क्या करते हैं। 30 to 60 minutes बिफोर गिव द एंटीबायोटिक्स, प्रोसीजर से 30 to 60 मिनट पहले
एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर की जाती है फॉर एनी इन्फेक्शन के प्रिवेंशन के लिए. गिव द सुपाइन पोजिशन टू पेशेंट, पेशेंट को सुपाइन पोजिशन देंगे. देन डिटरमाइन द फिटस पोजिशन एंड अम्बिलिकल कॉर्ड लोकेशन बाई यूएसजी ट्रांसड्यूजर. यूएसजी के थ्रू हम फीटस की पोजीशन एंड अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लेसेंटा की पोजीशन को डिटरमाइन करेंगे. गिव द लोकल एनेस्थीसिया, देन पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया देंगे. गाइडेड बाय यूएसजी इंसर्टेड ए 25 गेजेस स्पाइनल नीडल 13 सेंटीमीटर इन लेंथ थ्रू द मैटरनल एब्डोमेन एंड यूटेराइन वॉल. देन यूएसजी की गाइडेंस में 25 गेज की जो स्पाइनल नीडल होती है उसको मैटरनल एब्डोमेन में इंसर्ट करेंगे एंड देन यूटेराइन वॉल में इंसर्ट करेंगे. ठीक है. द टिप ऑफ द नीडल प्रोग्रेस केयरफुली एंड द पंचर ऑफ एम्बिलिकल वेन. देन जो नीडल की जो टिप है उसको बहुत सावधानी से उसको इंसर्ट करेंगे क्योंकि वो वहाँ पे फीटस और अम्बिलिकल वेन और प्लेसेंटा सब कुछ है, अम्बिलिकल कॉर्ड, तो उसको डैमेज कर सकती हैं. तो केयरफुली इंसर्ट करना है एंड द पंचर द अम्बिलिकल वेन, एंड द अम्बिलिकल वेन को पंचर करना है. इसमें अम्बिलिकल आर्टरी से कुछ भी सैम्पलिंग या कुछ भी नहीं लिया जाता, अम्बिलिकल वेन का ही इसमें यूज होता है. अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेसेंटल इंसिजन. और ये इसको कहाँ प्रिक किया जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड में, कि जहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा से अटैच होती है वहाँ से 1 to 2 सेंटीमीटर फीटस की तरफ इसको पंचर करते हैं. ठीक है. 0.5 to 2 ml of fetal blood is collected. ठीक है. 0.5 to 2 ml fetal blood को collect कर लेते हैं and then needle को remove कर लेते हैं. उसके बाद देखते हैं after procedure. After procedure में क्या देखते हैं, patient feel cramping and discomfort. कि patient को थोड़ा क्रैम्प या डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है. ट्रैक द फीटल हार्ट रेट बाय यूजिंग यूएसजी एंड सीटीजी. फीटल की हार्ट रेट को मॉनिटर करेंगे यूएसजी और सीटीजी की हेल्प से. गिव एडवाइस टू टेक द रेस्ट. ठीक है, रेस्ट करने की एडवाइस देंगे. देन इसके रिस्क क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है. तो इसके कॉम्प्लिकेशन है, फर्स्ट तो है इसके कॉम्प्लिकेशन अबॉर्शन. इसमें अबॉर्शन होने के हाईएस्ट चांसेस होते हैं 1 to 4%. ठीक है. और इसमें फीटल डेथ के भी 1 to 4%, 1.4% चांसेस होते हैं. एंड प्री टर्म लेबर के चांसेस होते हैं. इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ, वही, और कॉर्ड हिमेटोमा फॉर्मेशन. कॉर्ड में हिमेटोमा का फॉर्मेशन भी हो सकता है क्योंकि कॉर्ड को नीडल से रप्चर किए हैं, तो वहाँ हिमेटोमा का फॉर्मेशन हो सकता है. देन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं इसमें. ठीक है, इन्फेक्शन मैटरनल इन्फेक्शन हो सकता है, फीटस को भी इन्फेक्शन हो सकता है. देन इन्फेक्शन में कोरियो एम्नियोनाइटिस भी हो सकता है. ठीक है. और प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी हो सकता है. ठीक है. और स्लोइंग द फीटल हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट भी स्लो हो सकती है क्योंकि जब अम्बिलिकल वेसल्स में पंचर कर रहे हैं तो वहाँ पे उन अम्बिलिकल वेसल्स में स्पाज्म की कंडीशन हो जाती है. ठीक है. उस वजह से फीटल हार्ट रेट डिक्रीज होने के
चांसेस होते हैं, ठीक है। और मदर में भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इससे, जैसे कि आइसो इम्यूनाइजेशन की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। और मदर में जब ये प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस समय जब नीडल इंसर्ट कर रहे होते हैं, उस समय उसकी मदर की इंटेस्टाइन में या फिर वेसल्स में ट्रोमा हो सकता है, ठीक है। मेन या फिर इमरजेंसी सीजेरियन डिलीवरी भी करवानी पड़ सकती है। ओके, तो हमने इसमें क्या क्या देखा। पहले डेफिनेशन देखी कि ये एक डायग्नोस्टिक प्रीनेटल टेस्ट है जिसमें बेबी के ब्लड का सैंपल लिया जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, ठीक है। 18 वीक के आफ्टर ही ये होता है एंड 20 to 40 आवर्स में इसका रिजल्ट भी आ जाता है, ठीक है। और इसके इसको कहाँ कहाँ यूज में लिया जाता है कि किसी फिटस की किसी ब्लड रिलेटेड कंडीशन में, ठीक है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी का पता लगाने के लिए, इन्फेक्शन हो तो ब्लड में, या फिर फीटस को ब्लड ट्रांसफ्यूज करना हो, मेडिकेशन देनी हो, ठीक है, इन सब में इसका यूज किया जाता है। देन प्री प्रोसीजर में इसको 23 या उससे ज़्यादा वीक की प्रेगनेंसी है तो पेशेंट को NBM रखेंगे, ठीक है। और हॉस्पिटल में एडमिटेड के बाद में ही ये प्रोसीजर परफॉर्म होता है एंड 23 वीक की प्रेगनेंसी उससे कम की हो तो OPD बेस पे भी ये हो सकता है। एंड देन प्रोसीजर में इसको इसमें USG गाइडेंस के थ्रू ये प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे ये, ठीक है। स्पाइनल नीडल को इंसर्ट करेंगे यूटेराइन वाल के थ्रू एंड देन अम्बिलिकल वेन पंचर करेंगे एंड एंड फिटस का ब्लड का सैंपल कलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, फीटल कॉम्प्लिकेशन और मैटरनल कॉम्प्लिकेशन दोनों हो सकते हैं। अबॉर्शन के चांसेस होते हैं, प्री टर्म लेबर के चांसेस होते हैं, इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ हो सकती है, कोड हिमेटोमा का फॉर्मेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, स्लोइंग ऑफ फीटल हार्ट रेट हो सकती है, ठीक है। मोर ट्रोमा ऑफ द इंटेस्टाइन एंड वेसल्स ऑफ मैटरनल एंड आइसो इम्यूनाइजेशन की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। और इमरजेंसी सिजेरियन डिलीवरी भी हो सकती है, ठीक है। ये देखिए इसमें ये अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू फीटल ब्लड का सैंपल लिया जा रहा है थ्रू द गाइडेंस ऑफ USG। आप डायग्राम को ध्यान से देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आजकल यही आते हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।